श्रावस्ती में मॉनसून की दस्तक ने प्रशासन के हाथ पैर फुला दिए हैं और बाढ़ ग्रस्त एरियो में जहां आला अधिकारी पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, वहीं मधवापुर घाट जिस पर पिछले साल भिंगा और जमुनहा से जोड़ने वाली टू लेन सड़क को राप्ती ने काट दिया था, जिससे करीबन 3 दर्जन गांव के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। प्रशासन ने पिछली बरसात में बोरियों में ईंट भरकर इसको रोकने का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास विफल हुआ था और लगातार राप्ती ने इसको काटने का प्रयास जारी रखा। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिंगा और तहसील जमुनहा को जोड़ने वाली सड़क पर राप्ती नदी का कहर हर साल बरप रहा है। सरकार ने टू लेन सड़क का पिछले साल निर्माण कराया, लेकिन जैसे ही बरसात आई राप्ती ने सड़क को अपना निशाना बनाकर उस पार जाने की कोशिश, सड़क पूरी तरीके से कट गई, जिससे भिंगा और जमुनहा का आवागमन बंद होता गया। इस बार फिर जैसे ही मानसून ने दस्तक दी वैसे ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि समय से पहले ही मानसून ने श्रावस्ती में दस्तक दे दी। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों और एसडीएम जमुनहा प्रवेंद्र कुमार ने मधवापुर घाट पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और युद्ध स्तर पर राप्ती की कटान को रोकने के लिए निर्देश दिया। वहीं पर राप्ती की कटान को रोकने के लिए जियो ट्यूब लगाकर जिसमें बालू भरकर राप्ती को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अगर प्रशासन के द्वारा ये कामयाब रहा तो करीबन 3 दर्जन से अधिक गांव राप्ती के कहर से बच जाएंगे, वरना राप्ती के कहर से इन गांवों को बचाने वाला कोई नहीं, जिससे मुख्यालय भिंगा और जमुनहा तहसील का संबंध भी टूट जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इसको कितना रोकने में कामयाब होता है।